हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इसी महीने मतलब कि 15 अगस्त को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी बेहता, जिसके अंदर हमें ऐसे लीड के तौर पर जॉन अब्राहम, सरवड़ी बग, अभिषेक बैनर्जी, आशीष विद्यार्थी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे बेहता मूवी को अब तक थिएटर में रिलीज हुए 17 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 17 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूँगा। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे बेहता मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 60 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 2000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से ही मार्केट में हाइप थोड़ा सा कम ही था, जिसके ऊपर से इस मूवी के ऑपोजिट हमें स्त्री 2 जैसी मूवी थिएटर में रिलीज होते हुए देखने को मिला था, तो उसी के चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी हमें काफ़ी कम देखने को मिला। और ये मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 6 करोड़ 25 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी उतना अच्छा ना निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वह खास इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिला। जहाँ पे बेहता मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 16 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 20 करोड़ 35 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर पाया था, जिसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया है। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 17 को लगभग हमारे इंडिया से 40 लाख के आसपास का ही कलेक्शन किया है, जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 16 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे बेहता मूवी के 17 डेज का जो हमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो लगभग 20 करोड़ 75 लाख के आसपास का चला जाता है। जो कलेक्शन एक 60 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो काफ़ी कम है ही, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की इस मूवी का अभी के टाइम पे डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ रहा है, उससे एक बात तो कन्फर्म कहा जा ही सकता है कि यहाँ पे बेहता मूवी का ऑल टाइम हमारे इंडिया का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वो 24 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के आसपास का ही जा सकता है। चूँकि एक 40 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए कम कलेक्शन है और एक तरीके से बेहता मूवी 2024 की एक फ्लॉप मूवी एक तरीके से साबित हो चुका है, जो चीज़ होने का कई सारे रीज़न भी है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इस मूवी का रिव्यू हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, जिसके ऊपर से ये मूवी स्त्री 2 जैसी मूवी के ऑपोजिट थिएटर में रिलीज हुआ था, तो कहीं ना कहीं इन्हीं दो रीज़न के वजह से बेहता मूवी का कलेक्शन इतना कम हमें देखने को मिला और ये मूवी 2024 की जॉन अब्राहम की एक फ्लॉप मूवी साबित हो चुका है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर बेहता मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।